हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपका भी फाउंटेन पेन अच्छे से नहीं चल रहा है और उसके साथ इसका इंक फ्लो भी अच्छे से नहीं हो रहा है और पेपर में लिखते टाइम काफी स्क्रैची हो रहा है? तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप पहले अपने फाउंटेन पेन को अच्छे से क्लीन करके देखिए। अगर आपको फाउंटेन पेन क्लीन करना नहीं आता तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपने अब फाउंटेन पेन क्लीन कर लिया है, फिर भी आपका पेन अच्छे से नहीं चल रहा है, तो इसका कारण हो सकता है आपके निब में कुछ प्रॉब्लम है। तो आज हम बात करेंगे फाउंटेन पेन निब्स के प्रॉब्लम के बारे में और जानेंगे कि उन्हें फिक्स कैसे करते हैं। पहला प्रॉब्लम, आपके पेन के फील्ड और निब के बीच में थोड़ा सा गैप हो सकता है। इसे ठीक करने के लिए आप पहले निब को खोलिए और उसे फिर से अच्छे से पेन में टाइट करके लगा दीजिए। अगर फिर भी गैप रह जाता है तो आप पेन के निब को पकड़ के उसे टेबल के कॉर्नर में थोड़ा सा प्रेशर दे के आगे पीछे कीजिए 10 सेकंड तक। फिर भी गैप रह जाता है तो आप इस प्रोसेस को दोबारा कीजिए। इसे करने के बाद आप देखेंगे कि पेन का निब दूसरी तरफ थोड़ा सा बेंड हो चुका होगा। इसे ठीक करने के लिए पेन के निब को हार्ड सरफेस के अगेंस्ट प्रेशर दे के थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिए। आप किसी भी मेटल सरफेस के अगेंस्ट निब को प्रेस मत कीजिए। दूसरा प्रॉब्लम, अगर आपका चैनल एंड स्लिट एक ही लाइन में नहीं है तो आप पहले पेन के निब को खोलिए और चैनल और स्लिट को एक ही लाइन में कीजिए। उसके बाद अच्छे से असेंबल कर दीजिए और दोनों को टाइट कर दीजिए। अगर आपका पेन पेपर में बहुत फील होता है तो इसका कारण हो सकता है आपके निब के दोनों टाइम्स एक ही लाइन में नहीं है। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप पेन के निब को एक हार्ड सरफेस के अगेंस्ट लेफ्ट टू राइट 5 से 10 बार कीजिए जब तक निब के दोनों टाइम्स एक लाइन में नहीं आ जाते। इसके बाद शायद आपका निब ऊपर की तरफ थोड़ा सा बेंड हो सकता है, जिसे आप एक हार्ड सरफेस के अगेंस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा प्रेशर देके सीधा कर सकते हैं। चौथा प्रॉब्लम, अगर निब का दोनों टाइम्स ऊपर नीचे हैं तो आप उसे घर पे ठीक नहीं कर सकते। फिर भी आप पेन को टेस्ट करके देखिए, अगर पेन अच्छे से चल रहा है तो उसे मत छेड़िए। पांचवा कारण है निब के टाइम्स के बीच में गैप रह जाना, जिससे इंक निब की तरफ नहीं आ पाता। इसे ठीक करने के लिए आप एक कपड़ा लीजिए और निब को दोनों तरफ से प्रेस कीजिए जब तक उनके बीच में एक यूनिफॉर्म गैप नहीं बन जाता। लेकिन आप ध्यान रखिए कि दोनों टाइम्स आपस में टच ना करें। इसी तरह का ऑपोजिट प्रॉब्लम है जब निब के दोनों टाइम्स जुड़ जाते हैं। इसे ठीक करने के लिए आप पेन के निब को एक हार्ड सरफेस के ऑपोजिट थोड़ा सा प्रेशर देके रखिए, जिससे दोनों टाइम्स के बीच में 1 मिलीमीटर जितना स्पेस हो। इस प्रोसेस को थोड़ा थोड़ा टाइम गैप में कीजिए जब तक टाइम्स के बीच में एक यूनिफॉर्म गैप ना बन जाए। अगर आप ज्यादा प्रेशर दे के निब को रखेंगे तो निब परमानेंटली डैमेज हो सकता है। अगर आपका निब किसी भी तरह बेंड हो गया है तो आप एक हार्ड सरफेस पे निब को बार बार प्रेस कीजिए जब तक निब पूरी तरह से सीधा नहीं हो जाता। इसे करने के बाद चांस है कि आपका निब दूसरी तरफ थोड़ा सा बेंड हो सकता है, उसे भी आप हार्ड सरफेस में थोड़ा थोड़ा प्रेशर देकर ठीक कर सकते हैं। 7 नंबर प्रॉब्लम है निब का टिप रब हो जाना। फिर से निब को स्मूथ करने के लिए आप एक मोटा पेपर लीजिए और उसके ऊपर 8K शेप में ड्रॉ कीजिए पेन में इंक डालकर। 5 मिनट टेस्ट करने के बाद नॉर्मल पेपर में पेन को टेस्ट करें जब तक स्मूथनेस इंक्रीज नहीं हो जाता। ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और एक फाउंटेन पेन का सबसे खराब प्रॉब्लम है एक्सेसिव इंक फ्लो। इसे ठीक करने के लिए आप पेन के निब और फील्ड को अच्छे से टाइट करके यूज कीजिए। ये प्रॉब्लम इंक कार्ट्रिज अच्छे से नहीं लगने से होता है, इसीलिए आप हमेशा कार्ट्रिज को पेन में अच्छे से इंसर्ट कीजिए। फाउंटेन पेन के निब में मेनली यही 8 तरह के प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। अगर आपके फाउंटेन पेन के निब में कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने जो वीडियो में बताया है उसे फॉलो कीजिए, जिससे कि सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। अगर किसी और तरह के निब रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको भी ऐसे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।